हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी से मैं अपना व्लॉग शूट कर रही हूँ। अभी थोड़ी देर पहले मेरा एक वीडियो गया है और ये व्लॉग आज शाम को जाएगा, तो उसके लिए मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ। और अभी मैं बनाने जा रही हूँ आप लोग के साथ, मैं शेयर करने वाली हूँ साबुदाने के वड़े। जी हाँ, उसकी मैंने सारी प्रिपरेशन कर ली है। तो चलिए मैं आप लोग को दिखा देती हूँ और आप लोग मुझे ज़रूर घर में ट्राई करना और मुझे बताना कि आप लोग को कैसा लगा। और आज है शुक्रवार और आज मुझे पूजा भी करनी है, तो मैंने साड़ी वेयर की हुई है। एंड चलिए मैं दिखा लेती हूँ कि मैंने साबुदाने वड़े के लिए मैंने क्या क्या प्रिपरेशन की। ये है साबुदाना, इसमें मैंने हरी मिर्ची काट के रख ली है और यहाँ मैंने चटनी के लिए भी इंग्रेडिएंट ले लिए हैं। ये है धनिया जो कि मुझे चटनी में यूज़ करना है। ये पुदीना है, ये ग्रीन चिली है, टोमेटो है और कुछ अदरक के टुकड़े हैं। और ये मैंने अपने साबुदाने वड़े के लिए रखी है ये वाली धनिया। ये आलू बॉईल कर लिए हैं मैंने। एंड इसके बाद मैंने ये पीनट है जिसको मैं इसमें क्रश करूँगी थोड़ा सा। तो चलिए देख लेते हैं मैं कैसे बनाती हूँ। सो गाइस, आप ये देख सकते हैं मैंने मूँगफली को जो है क्रश कर लिया है, इसको थोड़ा दरदरा ही पीसा है मैंने। सो चलिए देख लेते हैं मैं कैसे बना रही हूँ। सो गाइस, आप देख सकते हैं कि मैंने साबुदाना जिसमें मिर्ची और साबुदाना काट के रखते हैं, उसमें मैंने आलू और पिसी हुई जो पीनट थे वो मैंने डाल दिए हैं क्रश किए हुए। उसके बाद मैं इसमें ग्रीन धनिया डालूंगी और उसके बाद नमक ऐड कर रही हूँ यहाँ पे मैंने थोड़ा जीरा ऐड किया है। देन इसके बाद मैं नमक डाल रही हूँ उसमें, और फिर इसके बाद से नमक डालने के बाद मैं अपने को अकॉर्डिंग नमक डालूंगी, स्वाद अनुसार। ऐसा आप भी ट्राई कर सकते हैं, एक बार बना के देखिए, बहुत ही टेस्टी बनता है। आप इसे तेल में या घी में किसी चीज़ में भी फ्राई कर सकते हैं। मैं यहाँ पे फ्राई कर रही हूँ मूंगफली के तेल में, मतलब पीनट के जो तेल होता है उसमें, क्योंकि सोयाबीन का तेल हमारे अनाज माना जाता है, तो इसलिए मैं मूंगफली का तेल ही यूज़ करती हूँ। तो मैं मूंगफली के तेल में गर्म करने रख दिया, अब यहाँ मैं इसे मिक्स कर लूँगी। तो गाइस, ये मैंने सारे मसाले मिक्स कर लिए हैं, ये कुछ ऐसा दिखेगा मसाले मिक्स करने के बाद। इसके बाद मैं चटनी की तैयारी कर लूँगी। तो यहाँ मैंने टमाटर और अदरक और ग्रीन चिली मैंने जार में डाल दिया है। एंड इसके बाद मैं पुदीना और धनिया पत्ती ऐड करूँगी इसमें और इसे मिक्सी में पीस लूँगी। उसके बाद से जब आपका मसाला थोड़ी देर हो जाए, जो भी आपने इंग्रेडिएंट तैयार किया है, जैसे ये मेरा डो है इसको मैंने तैयार किया है, तो इसकी मैं बॉल टाइप की बना लूँगी अच्छे से, थोड़ा इसको मैश करके उसके बाद मैं बॉल बनाऊँगी ताकि अच्छे से बॉल बनी रहे। आप देख सकते हैं मैंने कढ़ाई में ऐड कर दिया है, क्योंकि इसमें मूँगफली है तो थोड़ा बहुत जो ड्राइनेस होती है ना, वो मूँगफली एकदम जो बारीक वाली होती है वो थोड़ी कढ़ाई में फैलती है। तो आप ध्यान रखें कि मूँगफली को थोड़ा सा मोटा ही पीसें, एकदम फाइन ना उसको ग्राइंड करें, बिल्कुल दरदरा सा उसको ग्राइंड करें, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे मैं अपने जो बचे हुए बॉल्स हैं वो मैंने रेडी कर रही हूँ और ये मैंने पलट दिया है। इसके बाद मैं इसे एक प्लेट में निकाल लूँगी। सो इसके बाद ये मेरी दूसरी बार मैं इसे डाल रही हूँ, क्योंकि पहली बार में तेल जल्दी गर्म हो गया था तो मैंने फटाफट चार बना के डाल दिए थे। अब कढ़ाई में मैंने जितना डाला है जितना कि उसमें आ पाएगा, तो आप देख सकते हैं जो। सो गाइस, आप देख सकते हैं वड़े बन के तैयार हैं, आइए आप भी खा लें। सो गाइस, ये था मेरा आज का व्लॉग। मैंने पूजा भी कर ली है और शाम हो चुकी है, 7 बज रहे हैं और मैं अभी पूजा करके फ्री हुई हूँ। और ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आप लोग को मेरी रेसिपी पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना गाइस। और कोई भी सजेशन हो, कुछ भी, मतलब आप लोग को जो भी वीडियोस देखना हो तो आप लोग मुझे कमेंट करके नीचे बताना, मैं आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय गाइस, गुड नाइट, लव यू, स्टे होम, स्टे सेफ गाइस, बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।